कहानी की शुरुआत एक बर्फीले गांव से होती है, जहां लूका नाम का एक छोटा सा लड़का अपने डैड पैंकराज के साथ तलवार चलाना सीख रहा होता है। उसके पास पर्सी नाम का एक लायन कब भी होता है, जिसके साथ ही वो हमेशा खेला करता था। पर्सी के साथ खेलते वक्त उससे एक लड़का मिलने आता है। तभी उसके डैड उसे अंदर से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा। लूका पर्सी को अपने साथ ले लेता है और वो तीनों किसी सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में जो भी मॉन्स्टर उनका रास्ता रोकता था, पैंकराज उन सबको अपनी तलवार से मार देता था। वो लूका को भी लगातार तलवारबाजी करना सिखा रहा होता है। वो तीनों वहाँ से दूर कोबर्ग नाम के एक राज्य में पहुँचते हैं। वहाँ का सैनिक उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। पैंकराज उसे बताता है कि उसे यहाँ के राजा ने खुद बुलाया है। वो सैनिक उन्हें अंदर जाने देता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ का राजकुमार हैरी भागता हुआ जा रहा है और एक सिपाही उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार हैरी से कह रहा होता है कि बाहर बहुत खतरा है। तभी लूका वहाँ आता है और वो हैरी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में भी बता ही रहे थे कि तभी एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर हैरी को पकड़कर अपने साथ लेके चला जाता है। लूका तुरंत वहाँ से अपने डैड को बताने जाता है और बहुत जल्द लूका अपने डैड के साथ उन मॉन्स्टर तक पहुँच जाता है और उन दोनों मॉन्स्टर को पैंकराज एक ही वार में ढेर कर देता है और हैरी को छुड़ा लेता है। तभी वहाँ उन मॉन्स्टर का लीडर लाटजा आता है और उस पर हंसने लगता है। वो लूका हैरी और पर्सी को अपने पावर से बेहोश कर देता है। वो लूका को अपने हाथ में उठा लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। उसके बाद वो अपने दोनों मॉन्स्टर को पैंकराज पर हमला करने को कहता है। पैंकराज उन पर वार भी नहीं कर सकता था क्योंकि लूका उसके कब्जे में था और बहुत जल्द लाटजा अपने पावर से पैंकराज को मार देता है। पैंकराज मरते मरते लूका को बताता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, उसे उन्हें ढूंढ कर बचाना होगा। ये बोलकर पैंकराज मर जाता है। आगे हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां लूका इन सब बातों को याद करते हुए नींद से जागता है। उसके साथ प्रिंस हैरी भी होता है। उन दोनों को लाटजा ने 10 साल से अपना गुलाम बनाया हुआ था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि 10 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर अब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी बातें वहाँ का एक और कैदी छुपकर सुन रहा होता है। उन सबसे वहाँ पत्थर उठाने का काम करवाया जाता था और उसी दौरान वो कैदी लूका से कहता है कि उसे पता है यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वो उन्हें बताता है कि वहाँ जो भी इंसान मर जाता है, उसे एक बैरल में बंद करके पानी में बहा दिया जाता है और उस बैरल में बंद होकर वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लूका और हैरी छुपते हुए उस बैरल रूम में पहुँचते हैं। वो दोनों अपने शरीर पर मरे हुए जानवरों की चर्बी लगा लेते हैं ताकि वहाँ के मॉन्स्टर उन दोनों को मरा हुआ समझे। वो दोनों एक बैरल में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ के मॉन्स्टर जब उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें मरा हुआ समझते हैं और उन दोनों को वही बैरल सहित पानी में फेंक देते हैं। वहाँ एक स्लाइम मॉन्स्टर होता है जो उन्हें देख रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। लूका और हैरी पानी में बहते हुए नीचे शहर में आ चुके थे, पर वहाँ का एक मॉन्स्टर गार्ड उन्हें देख लेता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों भागते हुए एक टांगे में गिर जाते हैं जिसमें जानवरों का चारा रखा हुआ था। वो सारे मॉन्स्टर उन्हें देख नहीं पाते हैं। उस टांगे का मालिक उन दोनों को अपने घर में छुपा लेता है। वो उन्हें अपना नाम डॉक्टर एगोन बताता है। वो कहता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है वो उसकी मदद करता है। वो उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ लाटजा पे नजर रखता है। उसे पता चला है कि वो नडारिया के गेट्स को खोलने वाला है और अपने ग्रैंड मास्टर निम्जो को वापस बुलाना चाहता है। निम्जो के पास बहुत सी इविल शक्तियाँ हैं। वो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देने की ताकत रखता है और इसीलिए इतने सालों में अनगिनत जेनेथियंस ने अपनी कुर्बानी दी। एगोन वहाँ उस हेवनली हीरो की तलाश कर रहा है जिसमें जेनेथियन का ब्लड होगा और वही लाटजा को मार पाएगा। अगले दिन एगोन उन दोनों को एक बॉक्स में छुपाकर वहाँ से बाहर भेज देता है। लूका और हैरी कोबर्ग पहुँचते हैं, जहाँ का सैनिक बहुत जल्द हैरी को उसकी हरकतों की वजह से पहचान जाता है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उनका राजकुमार अभी तक जिंदा है। लूका हैरी के साथ उसके महल में जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके डैड पैंकराज के आखिरी शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं, इसलिए वो अपने गाँव जा रहा है और अपनी माँ के बारे में पता करने की कोशिश करेगा। हैरी उससे कहता है कि उसके डैड की वजह से वो आज जिंदा है, इसलिए कभी भी उसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा उसका साथ देगा। लूका अपने गांव आ जाता है और अपने घर के अंदर जाता है और कुछ जलाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वहां उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। ये रूम उसके डैड का था। वहाँ उनकी लिखी हुई डायरी उसे मिलती है जिसमें वो पढ़ता है कि लाटजा को नडारिया गेट्स खोलने के लिए जेनेथियन स्पेल की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसकी मॉम माडा को उठा कर ले गया क्योंकि वो भी एक जेनेथियन थी। अगर वो एक जेनेथियन स्वॉर्ड और उस हेवनली हीरो को ढूंढ लेता है तो वो नडेरिया गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर सकता है और फिर वो मैडा को भी वापस ला सकता है।
पैंकराज को हमेशा लगता था कि लूका ही वो हेवनली हीरो है। लूका को अपने आप पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, असल जिंदगी में भी जिस पल आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, तब आपका शरीर एक्चुअली में सिर्फ 40% थका होता है, जिसका मतलब 60% अब भी जान बाकी होती है। लूका उस रूम से बाहर आने लगता है, तभी उसे उसका पुराना रसोईया सांचो मिलता है। वो लूका को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे उसका फेवरेट खाना बनाकर खिलाता है। वो लूका से कहता है कि अब उसे उम्मीद है कि वो अपनी मॉम माडा को बचा लेगा, क्योंकि उसमें भी जिनेथियन ब्लड है। वो लूका को बताता है कि उसकी आंखें भी जिनेथियंस की तरह ही ग्रीन है। सांचो उसे उसके डैड की तलवार देता है और कहता है कि उसे जिनेथियन स्वॉर्ड को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे सिर्फ एक जिनेथियन ही चला सकता है और उसे पूरा भरोसा है कि वो उस स्वॉर्ड को ढूंढकर उसकी मदद से नडारिया गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर देगा। लूका सांचो से कहता है कि वो कैसे स्वॉर्ड को ढूंढ पाएगा। सांचो उसे बताता है कि वो स्वॉर्ड ब्रिस कोलेटी नाम के एक राजा के पास है, जो मोस्ट्रे फेरेटो नाम के शहर में रहता है। लूका सोने चला जाता है, पर उसके दिमाग में उसकी मॉम की यादें और उसके डैड की आखिरी बातें ही चल रही होती है। अगली सुबह वो मोस्ट्रे फेरेटो की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे वो लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो देखता है कि उसका पीछा एक स्लाइम कर रहा है। वो उसे अपने साथ रख लेता है और वहीं जंगल की एक गुफा में उसे एक बहुत ही खतरनाक शेर दिखाई देता है। वो उससे बचकर भागने की कोशिश करने लगता है, पर यह शेर उसके बचपन का दोस्त पर्सी था। वो उससे दोबारा मिलकर बहुत खुश हो जाता है। वो पर्सी को लेकर मोस्ट्रे फेरेटो शहर पहुंचता है, पर वो वहां देखता है कि किसी ने शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहां के लोगों से उसे पता चलता है कि बियोन नाम के एक बड़े से मॉन्स्टर ने उनके शहर पे कब्जा कर लिया है और कोई भी उसके इतना ताकतवर नहीं है जो उसे हरा पाए। लूका जाकर वहां के राजा से मिलता है। राजा उससे कहता है कि अगर तुमने बियोन को मार दिया तो वो उसकी बेटी नीरा की शादी उससे करवा देगा, और वो जो स्वॉर्ड को ढूंढ रहा है वो भी बियोन के पास ही है। लूका बियोन को मारने चला जाता है, पर बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो घायल होकर वहाँ के एक पब में आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की कुछ मेडिसिन देकर ठीक करती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लूका की बचपन की दोस्त बियांका थी। वो दोनों इतने दिनों बाद वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लूका दोबारा बियोन से लड़ने के लिए जाता है। इस बार उसकी मदद के लिए बियांका भी उसके साथ थी, और वहाँ से कुछ ही दूर पर उन्हें वो जेनेथियन स्वॉर्ड दिखाई देता है। वो जल्दी से उसे लेने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, तभी वहाँ से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। वो उन पर हमला करने लगता है। लूका बियांका से वो स्वॉर्ड लेकर भागने को कहता है, और तब तक वो बियोन को अपने में उलझा कर रखने की कोशिश करता है। लूका उस पर हमला करने जाता है, पर उसके एक हमले में ही वो दूर जाकर गिरता है। वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। लूका किसी तरह से उस मॉन्स्टर के हमले से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक पर्सी वो स्वॉर्ड उठा लेता है और वो सब वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लूका अभी भी उससे लड़ रहा होता है, और तभी बियांका उसे वो जेनेथियन स्वॉर्ड देती है, पर लूका देखता है कि वो उसे चला नहीं पा रहा है। इसका मतलब वो हेवनली हीरो नहीं था। वो सब पर्सी के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर हवा में भी उड़ सकता था। वो उनके पीछे ही आ रहा होता है। तभी लूका को एक बात याद आती है कि इस मॉन्स्टर की तीसरी आंख पे वार करने से शायद इसे हराया जा सकता है। वो बियांका को एक प्लान बताता है, और अचानक से लूका छुपकर उसकी पंखों पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो वहीं नीचे गिर जाता है। लूका उसकी तीसरी आंख को फोड़ने वाला होता है। वो उससे कहता है कि या तो ऐसे ही उसके हाथों से मारा जाए या फिर उसका गुलाम बन जाए। मॉन्स्टर लूका की गुलामी को स्वीकार कर लेता है। उस शहर के सारे लोग लूका का अच्छे से स्वागत करते हैं। लूका नीरा को प्रपोज करने जाता है, जिसमें बियांका उसकी मदद करती है। नीरा उससे शादी करने के लिए मान जाती है, पर वो नोटिस करती है कि लूका और बियांका एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। उसे लगता है शायद बियांका लूका को पसंद करती है। रात में बियांका जीत की खुशी में काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। लूका जल्दी से सोने के लिए चला जाता है, पर वहाँ उसके रूम के पास एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो लूका को देखकर कहती है कि तुम अपनी शादी को लेकर थोड़ा परेशान हो। लूका कहता है कि नहीं, वो परेशान नहीं है, और वो अपने कमरे में चला जाता है। वो बूढ़ी औरत उसे एक पोषण देती है और कहती है कि इसे पीकर एक बार फिर से सोचना कि तुम्हारे दिल में कौन है, और वो वहाँ से चली जाती है। लूका को नींद नहीं आ रही होती है। वो उस पोषण को पी लेता है और उसे अपने अंतर्मन दिखाई देता है, जहाँ नीरा नहीं बल्कि बियांका थी। वो बाहर जाकर देखता है बियांका अभी भी उसके इंतजार में नीचे बार में बैठी हुई थी। अगले दिन लूका वहाँ के राजा से जाकर कह देता है कि वो उसकी बेटी नीरा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बियांका से प्यार करता है। राजा उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, पर जाने से पहले वो जेनेथियन स्वॉर्ड उसे दे देता है, ताकि उसे जब भी हेवनली हीरो मिले तो वो उसे ये दे दे। वहाँ से वापस आकर लूका बियांका को अपने दिल की बात बताता है,
और कहता है कि वो नीरा से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। बियांका को यकीन नहीं हो रहा था कि लुका उसे प्रपोज कर रहा है, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो दोनों वहाँ शादी कर लेते हैं और वहीं हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि नीरा ही होती है। आगे हम लाडजा को देखते हैं जिसने माडा को किडनैप करके रखा हुआ था। वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। कुछ साल बाद लुका और बियांका को एक बेटा होता है जिसका नाम वो एलिस रखते हैं। सांचो लुका से कहता है कि इसकी आंखें भी उसी की जैसी ग्रीन हैं। तभी लुका की नज़र जेनेथियन स्वॉर्ड पे पड़ती है जो हिल रहा होता है। लुका उसे देखकर कहता है शायद यह हमें इशारा दे रहा है कि हमें जल्दी से उस जेनेथियन हीरो को ढूंढना चाहिए। तभी उनके घर पे कुछ मॉन्स्टर का हमला होता है। सांचो लुका और बियांका को एक दूसरे रास्ते से बाहर निकालता है, पर वो मॉन्स्टर उसे देख लेते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं। उनके एक हमले से लुका अपने कार्ट से नीचे गिर जाता है। बियांका एलिस को सांचो को सौंप देती है और वो पर्सी पे बैठकर लुका की मदद के लिए जाती है। लुका अकेले ही एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। बियांका उसकी मदद करने आती है पर पीछे से एक मॉन्स्टर अपनी पावर से उसे बेहोश कर देता है। बियांका की मैजिकल स्टिक भी वहीं गिर जाती है। वहां लाडजा आकर बियांका को अपने हाथों में उठा लेता है और लुका को वो अपने पावर से एक पत्थर में बदल देता है और वो बियांका को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहां लाडजा बियांका से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वो भी एक जेनेथियन है, पर बियांका कहती है कि वो कैसे जेनेथियन हो सकती है, उसकी तो आंखें भी ग्रीन नहीं है। लाडजा उसे वहां के पानी में अपने आप को एक बार देखने को कहता है। बियांका उसमें देखती है कि उसकी आंखों का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया है। लाडजा उससे कहता है कि उसके पेरेंट ने उसे छुपाने के लिए एक स्पेल की मदद से उसकी आंखों का कलर चेंज कर दिया था। वो उसे लेकर माडा के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम अपने अंतर्मन से माडा से बात करो और उससे वो मैजिकल स्पेल जाने की कोशिश करो जिसकी मदद से वो नडारिया गेट्स को खोल पाएगा, क्योंकि जेनेथियंस अपने मन से ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बियांका माडा से बात करती है और वो उन्हें बताती है कि वो उसके बेटे लुका की वाइफ है। माडा उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लाडजा को स्पेल नहीं बता सकती, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। बियांका लाडजा पे हमला करने लगती है पर उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता है। वो उसे भी पकड़कर एक पत्थर में बदल देता है। उसके बाद कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लुका का बेटा एलिस ने बियांका का वो मैजिकल स्टिक को ढूंढ लिया है, पर वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर थे जो उसका पीछा करने लगते हैं। एलिस भागता हुआ लुका के स्टैचू के पास पहुँचता है और उस मैजिकल स्टिक की मदद से लुका को वापस से इंसान में बदल देता है। लुका एलिस को पहचान नहीं पा रहा होता है पर बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि वो उसका बेटा एलिस है। तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर एलिस पे हमला करता है। लुका उसे वो जेनेथियन स्वॉर्ड देता है और वो देखता है कि एलिस ने उस स्वॉर्ड को चलाकर उस मॉन्स्टर को एक ही वार में मार डाला। वो समझ जाता है कि एलिस ही वो हेवनली हीरो है जो लाडजा को मार सकता है। लुका एलिस को लेकर लाडजा के महल की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो बियांका को बचा सके। उसके साथ पर्सी और वो स्लाइम भी होता है। वो देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन लाडजा के आइलैंड की हिफाजत कर रहे हैं। लुका कहता है कि उन्हें भी एक जेनेथियन ड्रैगन की मदद चाहिए होगी वहां ऊपर तक पहुंचने में। लुका फिर से वही डॉक्टर एगोन के पास पहुंचता है जिसने उसे वहां से भागने में उसकी मदद की थी। लुका उसे अपनी सारी कहानी बताता है। वो उससे कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ एक जेनेथियन ड्रैगन रहता है जो इंसानों के भेष में ही रहता है। ये सुनकर एगोन थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है और तब लुका को पता चलता है कि एगोन ही वो जेनेथियन ड्रैगन है। एगोन उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है पर उसे वापस से ड्रैगन बनने के लिए उसके ड्रैगन ऑर्ब की जरूरत पड़ेगी जो कि उसने कई साल पहले कहीं खो दी है। लुका उसे एक ऑर्ब का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि बचपन में उसे कहीं पर एक चमकती हुई बॉल मिली थी पर बाद में लाडजा ने उसे तोड़ दिया। कहीं वो तुम्हारा ड्रैगन ऑर्ब तो नहीं था? एगोन उसे देखकर कहता है कि ये उसके ड्रैगन ऑर्ब का ही टुकड़ा है। वो लुका को बताता है कि उसे यहाँ के पहाड़ों में रहने वाली परियों से जाकर मिलना होगा, वही उसकी कुछ मदद कर सकती है। लुका पहाड़ों के केव में पहुँचता है जहाँ से वो नीचे गिरकर परियों के शहर में आ जाता है। वहाँ उसे एक परी मिलती है जो उसे एक नकली ड्रैगन ऑर्ब देती है और कहती है कि वो उसे वापस से टाइम के पीछे भेज सकती है जहाँ से वो असली ड्रैगन ऑर्ब हासिल कर सकता है, और वो उसे उसके पास्ट में भेज देती है जहाँ मूवी के स्टार्टिंग के सीन को देखते हैं जहाँ लुका से मिलने एक बड़ा सा लड़का आया था। उस समय लुका के पास वो असली वाला ड्रैगन ऑर्ब था जिसे लुका बड़ी चालाकी से अपने नकली ऑर्ब के साथ चेंज कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि लुका एलिस के साथ उस जेनेथियन ड्रैगन पे बैठकर लाडजा के महल की तरफ जा रहा है। उन लोगों को वहां से बियांका दिखाई देती है जिसे वो मैजिकल स्टिक से वापस से सही कर देते हैं। बियांका उन सबको देखकर बहुत खुश होती है। वो लुका को बताती है कि उसकी मॉम वहाँ ऊपर कैद है और वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लुका की मॉम उससे कह रही होती है
कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि लाडजा अब और भी ताकतवर हो चुका है, वो सब उसे मार नहीं पाएंगे। और तभी लाडजा उसकी मॉम का आउटर प्रोटेक्शन लेयर अपनी पावर से तोड़ देता है। वो उनके ड्रैगन पे भी हमला करता है। किसी तरह वो ड्रैगन उन्हें वहां पहुंचा देता है। लुका अपनी मॉम को जाकर उठाता है, पर वो उसकी गोद में ही अपना दम तोड़ देती है। लुका वहां के मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, पर उन सब के मुकाबले में वहां बहुत सारे मॉन्स्टर थे। तभी वो देखते हैं कि एक बड़ा सा शिप वहां आया है, जिसपे प्रिंस हैरी आया था। उसके साथ उसकी पूरी आर्मी थी और वो मॉन्स्टर बियॉर्न में उसके साथ ही था। वो सब लुका की मदद करने के लिए आए थे। तभी बियांका देखती है कि लाडजा माडा को उठाकर जा रहा है। लुका उसके पीछे जाता है और वो लाडजा पे हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच वहाँ एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और फाइनली लुका अपनी तलवार से लाडजा को मारने वाला होता है, पर उसके मजबूत कवच को वो भेद नहीं पा रहा था। तभी एलिस अपनी तलवार से उसका कवच चीर देता है, पर अभी भी लाडजा मरा नहीं था। वो माडा की पावर को लेकर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो नडारिया गेट को खोलने लगता है। एलिस लुका से कहता है कि वो इस गेट को बंद कर सकता है। बियॉर्न उसे ऊपर की तरफ फेंकता है और एलिस अपनी तलवार को उस गेट के अंदर फेंकता है, जिसकी वजह से वो वापस से बंद होने लगता है और एलिस वहां से नीचे गिरने लगता है। तभी अचानक से सब कुछ फ्रीज हो जाता है। सिर्फ लुका ही मूव कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है, जो लुका से कहता है कि वो ये सब जो देख रहा है वो सब एक कंप्यूटर गेम्स की प्रोग्रामिंग है और कुछ भी यहाँ रियल नहीं है। वो आदमी सब कुछ खत्म करने लगता है। लुका उसे ये सब रोकने को कहता है। लुका उससे कहता है कि तुम जरूर लाडजा के मास्टर निम्जो होगे, पर वो आदमी कहता है कि वो एक वायरस है जो कंप्यूटर कोड में निम्जो कैरेक्टर के लिए छुपा हुआ था। वो लुका से कहता है कि तुम कोई रियल नहीं हो, बल्कि ड्रैगन क्वेस्ट नाम के एक गेम के कैरेक्टर हो, और अभी कुछ ही घंटे हुए हैं तुम्हें ये गेम खेलते हुए। वो उसे वापस से रियलिटी में ला देता है, जहां हम एक लड़के को ड्रैगन क्वेस्ट नाम के एक गेम को खेलते हुए देखते हैं। पर वो वापस से अपने आप को उस गेम में ले आता है और उस वायरस को हराने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि उसने अब तक जितने लोगों से इस वर्चुअल दुनिया में मिला है वो सब उसके लिए खास हैं, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। वो वायरस उसे खत्म करने लगता है। तभी वो स्लाइम आकर उसका मुकाबला करने लगता है और वो कहता है कि वो इस गेम का एंटीवायरस है, जिसे इस गेम को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और वो स्लाइम उस वायरस को खत्म कर देता है। सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है। सारे लोग भी वापस आ जाते हैं। प्रिंस हैरी अपनी आर्मी को बताता है कि उन्होंने लाडजा को मारकर ये जंग जीत ली है, और वो लुका को बाय बोलकर वापस से अपने राज चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।